वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, दिस इज राहुल जैन फ्रॉम जैन मोटर जीप्स। दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। तो भाई एक और नया व्हाइट बीस्ट बहुत सारे फीचर्स और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ रेडी हो चुका है। अगर आपको भी ऐसा एक शानदार गाड़ी लेना है तो भाई कॉल करें हमारे नंबर 8199061 के ऊपर, यहाँ पे मैसेज करें, कॉल करें, आपको उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी भाई और भी बहुत सारे क्रिएशन है हमारी वीडियो लिस्ट के अंदर, तो वो भी वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं शानदार गाड़ी का वॉकआउट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये शानदार व्हाइट बीस्ट? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, नीचे जरूर लिखे, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और जो नए फ्रेंड आज पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन में हल्का ऑप्शन दबा दे, फिर ही आपको ऐसी शानदार गाड़ियों का वीडियो देखने को मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा मॉडिफाइड जीप के बारे में। बाकी जैन मोटर जीप के नाम से हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे फॉलो जरूर करें क्योंकि वहाँ पे हमारी जो भी गाड़ी बनती है उसके फोटोज अपलोड होते हैं, रील्स अपलोड होती है और मेनली लाइव स्ट्रीम के अंदर बातचीत होती है हमारे फ्रेंड्स के साथ। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले शानदार गाड़ी की ऑनरशिप डिटेल के बारे में। दोस्तों ये गाड़ी हमने बना के दिया है मिस्टर मधुर श्रीवास्तव जी, जो कि हैं जयपुर राजस्थान से। तो भाई जयपुर में हमारा ये थर्ड गाड़ी आ रहा है ये 20-25 दिनों के अंदर ही, तो राजस्थान से काफ़ी डिमांड आ रही है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में ही डिमांड आ रही है गाड़ियों की, बट राजस्थान में इस बार थोड़ा सा ज़्यादा क्रेज़ है। तो भाई जो श्रीवास्तव जी ने फीचर्स लगवाए हैं ना वो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप भी ऐसा एक शानदार गाड़ी लेना चाहते तो भाई वीडियो सबसे पहले पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको प्राइस का नहीं पता चलेगा, फीचर्स का पता नहीं चलेगा और आपको पता नहीं चलेगा कैसे ऑर्डर करना है। तो भाई सबसे पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद डिस्कशन करते हैं हम फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले इसके ऊपर लगा है ग्लैडिएटर ग्रिल, और भी बहुत सारे टाइप के ग्रिल आते हैं इसके अंदर। एंग्री बर्ड ग्रिल आता है, प्लेन ग्रिल आता है, राउंड ग्रिल आता है, राउंड स्क्वायर के जो राउंड है ना बड़ा वाला राउंड ग्रिल आता है, वो आप देखते रहोगे जैसे जैसे हमारी वीडियो लिस्ट चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सारी ग्रिल्स हमने बनाई है, तो ये ग्रिल्स भी भाई बहुत बढ़िया है, इसका ही आजकल ट्रेंड है। तो हमने जैसे ही आज से 1.5 से 2 साल पहले बनाई की इसको बनाया था, तो उसके साथ ही भाई ये ड्रिल का डिमांड चल पड़ा। तो इसके ऊपर जो बम्पर लगाया गया वो बहुत ही बढ़िया मुस्तैज बम्पर, कोई ज़्यादा लाइटिंग नहीं लगवाई श्रीवास्तव जी ने, यहाँ पर सिर्फ 2 लाइट्स लगवाई और ऊपर एक बार पाइप लगवा के 2 लाइट्स ऊपर लगवा ली। ये जो लाइटें लगी है ना भाई ये चाइनीज लाइटें होती है, मैं पहले बोलता हूँ थोड़ी सस्ती लाइट होती है, ये हम बेस मॉडल में देते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे बड़ी HD लाइट लगवा सकते हो या LED लाइट्स लगवा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब होती है। तो ये चाइनीज लाइट आती हैं हमारे पास और हम इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं, नई लाइटें होती हैं, ये पुरानी लाइटें नहीं होती। हाँ, क्रोम वाली लाइटें होने के कारण थोड़ा बहुत अगर बारिश का पानी आएगा तो इसके ऊपर जंग भी लगेगा। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो यहाँ पे HD लाइटें लगवा लें, ये लाइटें मत लगवाएं, ये आप उतार के रख लें, तो मेरा सजेशन यही है। तो LED इंडिकेटर इसके ऊपर लगाए गए हैं, यहाँ पे नॉर्मल जो इंडिकेटर भी लग सकते हैं, लेकिन आजकल कस्टमर जो है भाई बहुत देखने लग गया कि हाँ हमें LED ही चाहिए। एक LED के अंदर क्या है, सेफ्टी है, कोई बल्ब फ्यूज नहीं होता, दूसरा इसके अंदर पानी वगैरह नहीं जाता, तो ईजी है, थोड़ा सा बढ़िया भी लुक आता है। तो ये चीज़ें आप लगवाएं, थोड़ा थोड़ा चार्ज ही होता है ये, तो ये चीज़ें जरूर लगवानी चाहिए आपको। और कोई भी देसी लाइट या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगवानी चाहिए, ओरिजिनल टाइप ही लाइट लगवानी चाहिए, क्योंकि बैटरी का काम है, इलेक्ट्रिक काम है। अगर एक भी बल्ब फ्यूज हो गया या फिर इसके अंदर कोई स्पार्क हो गया तो फिर पूरा बैरिंग जो है वो डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए हमेशा ओरिजिनल लाइटिंग ही लगवाएं। ये लाइटें सिर्फ शो के लिए हमने लगाई हैं, हाँ इसका कनेक्शन दिया है, बट कस्टमर को हम बोल देते हैं कि इसको नहीं जलाना, बस शो के लिए आपने रखना है। तो आगे बात करें इस गाड़ी के बोनट के बारे में, तो बोनट इसके अंदर लगा है स्कूप बोनट, तो स्कूप बोनट के अंदर ये गाड़ी हमने बनाया है। तो अभी मेरा वो है यार, भी यहाँ पे भी कुछ ना एक आधी गाड़ी में करके देखें, कोई कस्टमर एग्री हुआ ना तो बोनट का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके देखें, क्योंकि बहुत गाड़ियों में लग गया है। हमने ये वाइट गाड़ियों की कम से कम मेरे हिसाब से 20 गाड़ियों की वीडियो बना दी होगी, तो आपको लग रहा होगा यार एक ही चीज़ बना रहे, तो हमें भी कुछ होता है यार कुछ एक्स्ट्रा बनाएं। तो अभी हमारे पास एक बहुत ही विंटेज मॉडल का ऑर्डर आया है, तो भाई वो देखोगे ना मज़ा आ जाएगा, कम से कम 6 महीने का लगेगा टाइम उसको रेडी होने में, बट भाई बनेगा बहुत चीज़ बढ़िया, तो वो टाइम आने के बाद ऊपर बात करेंगे। तो इसके ऊपर लगा है, इसके विंडशील्ड लगाया गया है, वो लगाया गया है सिंपल प्लेन,
और इसके अंदर कोई भी स्टिकरिंग वर्क ज़्यादा नहीं किया गया। सिंपल सोबर जो महिंद्रा के स्टिकर जो ओरिजिनल जो 3D निकल वाले स्टिकर आते हैं वही लगाए गए हैं, कोई ज़्यादा हैवी स्टिकर वर्क नहीं किया गया। और थार के इसके ऊपर फेंडर लगा दिए हैं और इसके ऊपर और भी काफ़ी तरह के फेंडर्स आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, फाइबर के भी आते हैं और इसके ऊपर यानी कि आयरन के भी बनवा सकते हो, तो वो कस्टमर की डिमांड होती है, जैसा बोलता है हम वैसा कर देते हैं। तो और आज भाई वीडियो एनर्जी थोड़ी सी डाउन आएगी क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था और 2 घंटे सोया हूँ तो थोड़ा सा आँखें वगैरह बंद हो रही है, तो आज थोड़ा सा जो वीडियो ना वो धीरे धीरे चलेगा और छोटा होगा वीडियो। इंटीरियर की बात करें दोस्तों, इंटीरियर के अंदर इसके अंदर जो सीटिंग किया गया है वो है ब्लैक और व्हाइट कॉम्बिनेशन सीट के अंदर, और जो इंटीरियर नीचे मैटिंग की है या कंसोल बनाया वो बनाया है ब्लैक के अंदर। देखो ये चीज़ होती है कस्टमर की चॉइस के ऊपर, क्योंकि हमारी जैसे ही कस्टमर ऑर्डर करता है ना तो हमारी मैनेजमेंट टीम की बात होती रहती है कि सर ऐसे कैसे करना है, ये चीज़ें कैसे करें, कौन सा कलर दें, कौन से आपको इसके अंदर फेंडर चाहिए, क्या चीज़ है, वो सारी डिस्कशन होती रहती है। पूरा डिस्कशन होने के बाद फिर 45 डेज के अंदर एक शानदार बीस्ट रेडी हो जाता है। बहुत मेहनत लगती है भाई इसके ऊपर भी, वीडियो बनाने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी इसको रेडी करने में लगती है, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज कस्टमर से पूछ के करनी पड़ती है ताकि यार बाद में ये ना हो हम लगा दें और कस्टमर बोले यार ये मजा नहीं आ रहा। तो हमारा कोशिश यही है बेस्ट से बेस्ट चीज लगे। अंदर लगा है कंसोल बॉक्स और पीछे जो है रियर इनोवा सोफा सीट इसके अंदर लगा दिया गया है। तो रियर लुक की बात करें भाई, इसके अंदर है अलॉय व्हील और जरिकेन और जो LED टेल लैंप, इसके ऊपर ज्यादा कस्टमर ने नहीं लगवाया कुछ भी, सिर्फ यही 2-3 चीजें लगवाई हैं। कोई इसके अंदर रियर जैक नहीं लगा, कोई इसके अंदर बुलेट साइलेंसर नहीं लगा, हैवी एक्सेसरी जो है कस्टमर ने लगवाई ही नहीं है, तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं लगी। जो अराउंड जो बजट है इस गाड़ी का अगर आप बनवाते हो ना तो अराउंड आपको बजट पड़ेगा लगभग 5,80,000 रुपये अगर आप बनवाते हो NOC के साथ, RJ नंबर, अगर आप अपनी स्टेट के नंबर के साथ चाहते हो भाई, जैसे राजस्थान में तो हम दे ही देते हैं, अगर आप अपनी स्टेट के नंबर के साथ चाहते हो तो फिर उसका चार्ज कुछ एक्स्ट्रा होगा। जैसे आप महाराष्ट्र में हो, केरला में हो, कर्नाटका में हो, तमिलनाडु में हो, कहीं से भी हो, ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको आपकी स्टेट के नंबर के साथ प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन चार्जेस उसका एक्स्ट्रा होगा और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी एक्स्ट्रा होता है, तो इंक्लूडिंग नहीं होता। जैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे, ऑर्डर करने के बाद आपको जीप का रेट बताया जाएगा, उसके बाद जो जो फीचर्स लगवाए जाएंगे उसका रेट बताया जाएगा, फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आप ऑर्डर करें, पैसा डालें। पैसा डालने से पहले एक और वीडियो कॉल जरूर करें ताकि भाई ये ना हो आपको कन्फ्यूजन रह जाए, मेरे से जब आपकी बात हो जाएगी फिर आप पैसा डाल दें, बेफिक्र हो जाएं, आपको गाड़ी 100% मिलेगा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेगा। जितना हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उतना ही आपको करके देंगे। तो ये थी आज की गाड़ी जो हमने बना के दी है, जा रही है जयपुर और राजस्थान के अंदर, और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली हैं, तो वीडियो को जरूर देखें, सपोर्ट करें, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी कुछ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम।